नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक बेहद उपयोगी और देखिए कितना खूबसूरत चीज़ आपके लिए लाई हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बटुआ बनाया है, इसे मैंने तीन कलर में बनाया है। आप चाहें तो एक कलर में भी बना सकते हैं। ये बटुआ आपके सामने है। तो फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बटुआ बनाते हैं। सबसे पहले हम 10 नंबर की सिलाई पर 102 फंदे डालेंगे और 11 लाइन हम सीधा सीधा बुने हैं, सामने से भी सीधा और पीछे से भी सीधा, दोनों साइड से सीधा सीधा बुना है। तो देखिए, एक दो तीन चार पाँच, पांच उल्टे फंदों की धारियां सामने से आई हैं और छह उल्टे फंदों की धारियां पीछे से आ गई हैं। तो हमने 11 लाइन सीधा सीधा बुन लिया है। अब ये हमारा 12वां लाइन है और इस लाइन में हम डिजाइन बनाएंगे। दो फंदा हम उल्टा बुनेंगे, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा उल्टा बुनेंगे। अब उनको दूसरी ओर करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगले फंदे में ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, सिलाई को थोड़ा बाहर ही रहने देंगे। अब ऐसे धागा को लेंगे और देखिए, एक बार घुमाया, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस, दस बार देखिए हमारे दोनों सिलाइयों पे ये धागे ऐसे घुमाते हुए गए हैं। अब हम 11वें बार ऐसे ले जाएंगे और नीचे वाली सिलाई से, जो हमारा ये देखिए वर्किंग नीडल है, इसमें से हम ऐसे पास करेंगे और इसको निकाल लेंगे। ये हमारा देखिए फंदा निकल गया। अब इसको गिरा देंगे और इसको यूं पकड़ेंगे और ऐसे खींच लेंगे। ये हमारा खुल गया। अब ये जो हमारा वर्किंग थ्रेड है, ये इसको हम खींचेंगे, ये सरकने लगा। तो ये हमने खींच लिया। अब ये सारे धागे देखिए यहाँ पे लिपट गए हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट फंदे को, तीन फंदा हमने बुन लिया, दो उल्टा बुना था, तीसरे में हमने ये बनाया, और ये चौथे फंदे को सीधा बुन लेंगे। देखिए ये हमारा डिजाइन बन गया। अब ऊन को अपनी ओर करेंगे और दो फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो। अब ऊन को दूसरी ओर करेंगे, तीसरे फंदे में ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, सिलाई को थोड़ा बाहर ही रहने देंगे और 10 बार लपेटेंगे, ऐसे नीचे से ऊपर की ओर घुमाते हुए 10 बार लपेटेंगे। फिर 11वीं बार ऐसे घुमा के नीचे वाले सिलाई से हम ऐसे देखिए वापस लेते जाएंगे और इसे हम सीधा बुन लेंगे। जैसे हम सीधा बुनते हैं, वैसे हम अब सिलाई को अंदर की तरफ से ऐसे निकाल लेंगे। अब थ्रेड को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे खींच देंगे। देखिए ये हमारा थ्रेड खुल गया। अब जो ये हमारा वर्किंग थ्रेड है, इसे ऐसे पकड़ेंगे और सरकाएंगे, खींचेंगे। देखिए ये सरकने लगा और धागा थ्रेड पे लिपटता चला गया। तो ये धागा इस पर लिपट गया। अब अगले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अब उन अपनी ओर करेंगे, ये देखिए ये हमारे दो डिजाइन बन गए। अब धागा अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा, उन दूसरी तरफ, अगला फंदा सीधा बनाना है और इसी में हमें डिजाइन बनाना है। तो 10 बार हम थ्रेड को ऐसे लपेटेंगे और 11वीं बार में ऐसे नीचे वाले थ्रेड से ऐसे पास कर देंगे। अब सीधे की तरफ ऐसे बुन लेंगे, इसे उतारेंगे और ऐसे धीरे से खींच देंगे। अब धागे को खींचेंगे और देखिए ये हमारा थ्रेड इस पे लिपटने लगा। यहाँ पे देखिए ये ऐसे इकट्ठा हो गया। अब अगले फंदे को सीधा बुनेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर ये डिज़ाइन बनता चला जा रहा है। चार फंदों का ये डिज़ाइन है, दो फंदा उल्टा और दो फंदा सीधा। पहले वाले सीधे फंदे में हम डिज़ाइन बना रहे हैं, ऐसे 10 बार लपेट के, 10 बार लपेटा और 11वें बार ऐसे दोनों सिलाइयों के बीच से ऐसे निकाल लिया। उसके बाद इसे सीधा बुनेंगे, से गिराएंगे और ऐसे खींच लेंगे। देखिए कभी कभी ये खुलता नहीं है, तो इस दशा में हमें इसे खोल के और वापस बनाना चाहिए। फिर से ऐसे डालेंगे और 10 बार लपेटेंगे और 11वीं बार दोनों सिलाइयों के बीच से, और फिर ऐसे संभाल के निकालेंगे। निकाल लिया, अब इसे ऐसे खोलेंगे, देखिए खुल गया, और फिर खींच के खींचेंगे। देखिए ये इसे बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे। जब सब इकट्ठा हो जाएगा अगला फंदा सीधा, तो दो फंदा उल्टा दो फंदा सीधा हो गया, फिर अपनी ओर दो फंदा उल्टा। तो लाइन पूरी करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमने 4 के मल्टीपल फंदे लिए थे और दो फंदा एक्स्ट्रा, हमने टोटल 102 फंदे लिए थे। तो ये हमारे दो फंदे सीधे हो गए 4-4 के मल्टीपल में लेने से, दो फंदा ये एक्स्ट्रा बचा है, तो इसको ऊन अपनी ओर करेंगे, इन दोनों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा ये डिज़ाइन का पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब देखिए ये हमारा डिज़ाइन बन गया है। ये अब इस लाइन में हम, ये हमारा दूसरा लाइन है और सामने की तरफ, तो सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स सभी फंदे सीधे बुनते हुए मैंने दूसरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब ये डिजाइन का तीसरा लाइन है। तो पहले लाइन में हमने दो फंदे उल्टे बुने थे, इस बार हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। पहला फंदा ऐसे स्लिप कर लेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, तो ये टोटल 4 फंदे हो गए। अब उन दूसरी ओर करेंगे। अब देखिए ये दो फंदे जिसे हमने उल्टा बुना था, यानी इस पर डिज़ाइन नहीं बना था, इस बार इसी पर हमें डिज़ाइन बनाना है। तो ऐसे सीधे की तरफ से ऐसे सिलाई डालेंगे और फिर 10 बार लपेटेंगे और 11वीं बार बीच से ऐसे निकाल लेंगे, और फिर सिलाई को ऐसे हम धीरे से निकाल लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हमने इसको गिरा दिया, अब इसे ऐसे खोलेंगे और फिर धीरे धीरे सरकाएंगे अगले फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारे 6 फंदे हो गए। फिर उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा। देखिए इस पर हमने पिछली बार डिज़ाइन बनाया था, तो इस बार यहाँ पे हम उल्टा बुनेंगे। एक बार डिज़ाइन जहाँ बन रहा है, अगली बार उन दो डिज़ाइन के बीच में हमारा ये डिज़ाइन बन रहा है। तो दो फंदा उल्टा हो गया। अब उन दूसरी ओर करेंगे और देखिए ये दो फंदे हमने पिछली बार उल्टे बुने थे, तो अब की बार इन दोनों में डिज़ाइन बनेगा। तो पहले वाले फंदे को ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, सिलाई थोड़ा सा बाहर ही रखेंगे और 10 बार लपेटेंगे, 11वीं बार ऐसे बीच से, फिर सिलाई को ऐसे निकाल लेंगे, इसे खींचेंगे और यहाँ पे लिपट गए सारे धागे, यहाँ पे लिपट गए, अगले फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो इन्हीं 4 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। मैं लाइन पूरी करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स शुरुआत में भी 4 फंदे हमने उल्टा बुने थे और लास्ट में भी 4 फंदे रह गए जिन्हें हम उल्टा बुने थे। तो इस तरह हमारा ये तीसरा लाइन कंप्लीट होता है और देखिए डिजाइन ऐसे बन के आ रहा है। अब हमारा ये चौथा लाइन है और इस लाइन में हमें सभी फंदे सीधे बुनने हैं। तो 4 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और इन्हीं चारों लाइनों को हमें दोहराते जाना है। तो मैं लंबाई पूरी करके आपको दिखाती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना ये लंबाई पूरी कर ली है। अब हम सामने की तरफ हैं और इस लाइन में हमें देखिए पहला फंदा स्लिप कर लेना है, ऊन आगे करना है, दो फंदों को एक साथ लेना है और बैक लूप से एक सीधा फंदा, दो फंदा सीधा, फिर ऊन अपनी ओर करना है, दो फंदों को लेना है, बैक लूप से एक सीधा फंदा, फिर दो फंदा सीधा, ऊन अपनी तरफ, दो फंदों को लेंगे, बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे। देखिए सीधे फंदे के पहले हमने यहाँ पे जाली डाला है, फिर दो फंदा सीधा, दो का एक किया, जाली डाला, दो का एक किया, फिर दो फंदा सीधा, दो का एक किया, ऊन हमारी तरफ है यानी हमें जाली डालना है, फिर दो का एक किया, अगला दो फंदा सीधा। तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और अब हम सभी फंदे उल्टे बुनेंगे। इस लाइन में हम सभी फंदे उल्टे बुनेंगे। तो देखिए डोरी डालने के लिए हमने जाली बना ली है। इस लाइन में सभी फंदे उल्टे बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम सामने की तरफ आ गए। तो अब हम चार लाइन सीधा सीधा बुनेंगे, सामने से भी सीधा और पीछे से भी सीधा, ताकि दो उल्टे फंदों की धारियां सामने से और पीछे से आ जाए। तो चार लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने चार लाइन कंप्लीट कर लिया, दो उल्टे फंदों की धारियां आ गई। अब हम पहला फंदा सीधा बुनेंगे या इसे स्लिप कर लेंगे। अब अगला फंदा बुनने के पहले हम ऊन को अपनी ओर कर लेंगे, ये इसे स्लिप करेंगे, ऊन दूसरी ओर, नेक्स्ट फंदा सीधा, ऊन अपनी ओर, अगला फंदा स्लिप करेंगे, ऊन दूसरी ओर, नेक्स्ट फंदा सीधा, ऊन अपनी ओर, अगले फंदे को स्लिप करेंगे, ऊन दूसरी ओर करेंगे, अगले फंदा को सीधा बुनेंगे। यानी एक फंदा हमें सीधा बुनना है और एक फंदा स्लिप करना है, लेकिन स्लिप करने के पहले ऊन को अपनी तरफ कर लेना है। स्लिप किया, ऊन दूसरी ओर, नेक्स्ट फंदा सीधा, अपनी ओर, फंदा स्लिप किया, ऊन दूसरी ओर, नेक्स्ट फंदा सीधा। तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो एक फंदा सीधा बुनते हुए अगले फंदे को स्लिप करते हुए लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम रॉन्ग साइड में हैं। तो देखिए ये फंदा हमने बुना है, इसे हम स्लिप कर लेंगे और उन दूसरी ओर करेंगे। ये स्लिप किया हुआ फंदा है, देखिए ये स्लिप किया हुआ फंदा है। तो अब इसे हम सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर, देखिए ये फंदा बुना हुआ है, इसे हम स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर, ये फंदा देखिए हमने स्लिप किया था, तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। हमें एक फंदे को स्लिप करना है और अगले फंदे को सीधा बुनना है। पिछली लाइन में जिस फंदे को हमने बुना था रॉन्ग साइड से, उसे हमें स्लिप करना है, और जिसे हमने स्लिप किया था उसे हमें सीधा बुनना है। उन अपनी ओर, देखिए ये फंदा हमने बुना है तो इसे स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर, ये स्लिप किया हुआ फंदा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे। तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने रॉन्ग साइड से एक फंदा सीधा और एक फंदा स्लिप करते हुए लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम तीसरी लाइन में हैं, तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, और देखिए ये स्लिप किया हुआ फंदा है, वापस इसे स्लिप कर लेंगे। देखिए ये उल्टा वाला फंदा है तो इसे हमें स्लिप करना है, उन दूसरी ओर, देखिए ये सीधा फंदा है, इसे हमें बुनना है, उन अपनी ओर, उल्टे फंदे को स्लिप करना है, उन दूसरी ओर, देखिए ये सीधा फंदा है, इसे हमें सीधा बुनना है, उन अपनी ओर, उल्टे वाले फंदे को स्लिप करना है। ये देखिए बुना हुआ फंदा है, ये उल्टा दिखाई दे रहा है, इसे हमें स्लिप करना है, ये सीधा फंदा, इसे हमें सीधा बुनना है। तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लें।
एक फंदा सीधा, अगले फंदे को स्लिप करना है, एक फंदा सीधा, एक अगले फंदे को स्लिप करना है। इस तरह बुनते हुए ये हमारा तीसरा लाइन है। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमने तीन लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हमें इन फंदों को बाइंड ऑफ करना है। तो हम धागे को थोड़ा लंबा काट लेंगे। हमें सिलाई करना है तो बीच में धागा कम नहीं पड़ना चाहिए, तो हम थोड़ा लंबा काट लेंगे और सुई में डाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये पहला फंदा उल्टा है, इसमें हम ऐसे सिलाई डाल सुई डाल लेंगे। नेक्स्ट फंदा देखिए सीधा है, इसमें हम ऐसे सिलाई के अपोजिट डायरेक्शन में देखिए ऐसे हम डाल लेंगे। दोनों फंदों को गिराएंगे, धागे को खींच लेंगे। अब देखिए ये हमारा पहला फंदा है, तो इसमें हम वापस ऐसे सुई ऊपर से ही डालेंगे, ऐसे सिलाई के अपोजिट डायरेक्शन में ही डालेंगे। और जो दूसरा फंदा देखिए, अगला फंदा ये उल्टा है, तो इसमें ये हमारा इस एंगल में है, इस डायरेक्शन में है, तो हम इसी डायरेक्शन में ऐसे सुई डालेंगे। देखिए ऐसे डालेंगे, अब इसे गिरा देंगे, धागे को खींच लेंगे, सुई को खींच लेंगे। अब देखिए फिर ये हमारा सीधा फंदा है, तो इसमें ऐसे ऊपर से ऐसे डालेंगे। और जो सिलाई में लगा हुआ है देखिए, ये सीधा फंदा लगा हुआ है, तो इसमें सिलाई के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे डालेंगे, इसे गिराएंगे, धागे को खींच लेंगे। अब पीछे से देखिए, जैसे हमने ऐसे जो ये सीधा फंदा आया हुआ है देखिए, इसमें ऐसे ऊपर से डालेंगे, जिसमें हमने पिछली लाइन में डाला था उसी में वापस ऐसे ऊपर से डालेंगे। और देखिए सिलाई पे ये उल्टा फंदा लगा हुआ है, तो इसमें सिलाई के ही डायरेक्शन में ऐसे पीछे की तरफ से डालेंगे, इसे गिराएंगे और धागे को खींच लेंगे। बहुत ज़्यादा न कसेंगे न बहुत ढीला रखेंगे, वरना सफाई नहीं आएगी। अब फिर से देखिए ये सीधा फंदा है, इस फंदे को हमने पिछली बार में सिला था, तो वापस इसी देखिए ये सीधा लाइन जो गया है, इसी में ऐसे ऊपर से सिलाई डालेंगे। और देखिए सिलाई पे जो सीधा फंदा है, इसमें ऐसे सिलाई के अपोजिट डायरेक्शन में डालेंगे, फंदे को गिराएंगे, धागे को खींच लेंगे। अब देखिए अब हमें पीछे की तरफ से सिलाई करना है, तो ये सीधा फंदा है, अब इसी में जिसमें हमने पिछली बार में सिलाई किया था उसी में वापस ऐसे ऊपर की तरफ से सिलाई डालेंगे, सुई डालेंगे। और देखिए धागे सिलाई पे उल्टा फंदा लगा हुआ है, तो इसमें सिलाई के डायरेक्शन में ही डालेंगे, ऐसे पीछे की तरफ से ऐसे ऐसे डालेंगे, इसे गिराएंगे, धागे को खींच लेंगे। देखिए हमारी सफाई से सिलाई होनी शुरू हो गई है, सीधे फंदे में ऊपर से और यहाँ पे जो सीधा फंदा है उसमें ऐसे सिलाई के अपोजिट डायरेक्शन में गिराएंगे, खींच देंगे। तो हमने आगे की तरफ से सिलाई कर लिया, अब हम पीछे की तरफ से सिलाई करेंगे। तो देखिए ये जो हमने ये सीधी लाइन आई है उसी में हम वापस ऐसे ऊपर की तरफ से ऐसे सिलाई सुई डालेंगे। और सिलाई पे उल्टा फंदा है, तो इसमें सिलाई के ही डायरेक्शन में ऐसे पीछे की तरफ से डालेंगे। तो मैं सिलाई पूरी करके आपको दिखाती हूँ। ये हमारा सिलाई कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा बटुआ कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करनी है, तो चाहे हम सीधी की तरफ से कर सकते हैं, चाहे उल्टे की तरफ से कर सकते हैं, हम दोनों साइड से कैसे भी सिलाई कर सकते हैं।
और सबके सिलने के अपने अपने तरीके होते हैं, आप चाहें कैसे भी इसे सिल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बटुआ बनके तैयार है। अब हमें सिर्फ इसमें डोरी डालनी है। डोरी बनाने के लिए देखिए ये वुल लेंगे, ये देखिए जिस दिशा में घुमा हुआ है उसी दिशा में इसको ऐसे और घुमाएंगे। तो घुमाने के बाद इसको हम ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करके छोड़ेंगे तो ये अपने आप ही लिपटना शुरू हो जाएगा, देखिए, और एक सुंदर सी डोरी बनके तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह हम दो डोरियां बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो हमारी दोनों डोरियां तैयार हो गई हैं। अब एक डोरी को हम इस साइड से डाल के और वापस इस साइड निकालेंगे और दूसरी डोरी को इस साइड से डाल के और दूसरी तरफ निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो जो हमने ये डोरी के लिए छेद बनाया था तो उसी से पास करते हुए एक डोरी को इस साइड से डाल के वापस इस साइड निकाला है और दूसरे को इस साइड से डाल के वापस इस साइड निकाला है। देखिए ये हमारा बनके बटुआ तैयार हो गया है। अब हमें इन सिरों पे पम-पम मोती या कोई भी ऐसी चीज लगाएंगे जिसको पकड़ के हम ऐसे खींच सके। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने चार पम-पम लगा दिया है। आप चाहें तो चार मोती भी लगा सकते हैं। ये देखिए दो साइड में ये हमने खींचा और अब ये हम खींचेंगे तो ये देखिए ऐसे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों पम-पम, ये हमने चार पम-पम लगा दी है, दो साइड में और दो पम-पम मिडिल पॉइंट पे। ये पम-पम इसके मिडिल पॉइंट पे लगाया गया है और ये वाला पम-पम इस वाले धागे के मिडिल पॉइंट पे लगाया गया है। तो दोनों पम-पम, ये दोनों पम-पम दोनों धागों के मिडिल पॉइंट पे लगा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों पम-पम को बटुए के साथ अटैच कर देंगे। देखिए इसे हमने कर दिया है, उसी तरह अब इस वाले पम-पम को भी हम बटुए के साथ अटैच कर देंगे। तो मैंने इसे अटैच कर दिया। अब ये देखिए कैसे काम करता है, ये खींचा तो ये बंद हो गया और इन दोनों को पकड़ के खींचेंगे तो ये खुल जाएगा। फिर से देखिए, इसे पकड़ के खींचा तो ये बंद हो गया, इसे पकड़ के खींचा तो ये बंद हो गया और जब इन दोनों को खींचेंगे तो ये खुल जाएगा। ये बंद हो गया, ये खुल गया। तो फ्रेंड्स, पोटली बटुआ या पर्स या जो कहिए, ये बनके तैयार है। तो आपका बटुआ बनके तैयार है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको ये बटुआ अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।